हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। बेटा आपको इस क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स गेम, सत्य और असत्य बताना है। सबसे पहले कहा है बहुलक या मौन, दिए हुए डाटा में से ही कोई एक नंबर होता है हमेशा। कहने का मतलब जब भी आप मौन निकालो तो आपको जो डाटा देते हैं मॉल बेटा उन्हीं में से एक होता है हमेशा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा 3, 6, 6, 6, 9, 4, 5। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ ये मैंने आपको डाटा दिए, आप बताइए इसका मॉल क्या होगा। तो आप क्या करते हो बेटा, आप देखते हो इन सभी नंबर में से सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा है, वही क्या होता है मॉल होता है। तो बेटा इन सभी नंबर में सबसे ज्यादा बार नंबर 6 आ रहा, तो बेटा ये दिए हुए डाटा का मॉड क्या हो गया, 6 हो गया, बहुलक हो गया बच्चों 6। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा मॉड बेटा दिए हुए डाटा में से ही कोई एक नंबर हमेशा। तो बेटा वो बात तो ट्रू हो गई, इसका मतलब ये दिया हुआ सेंटेंस क्या है, सत्य है, ट्रू है। अब बच्चों आपसे आगे कहा है मार्क दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। बेटा आपसे कहा है मीन, जो भी आपको डाटा देते हैं उनमें से ही एक नंबर होता है। तो ये बेटा जरूरी नहीं है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा मैंने आपको जो डाटा दिए वो 0, 1, 2, 3 और बेटा 14 है। यदि मैं आपसे कहूँ आप इनका मीन निकालो तो मीन का फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन मीन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला यदि आप लगाते हो मीन का या माध्य का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इन सबका क्या करना है, सम कर लेते हैं, 0 + 1 + 2 + 3 + 14 अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 है बेटा अपॉन में 5। आप इनको जोड़ोगे 20 और अपॉन में 5, 5 के टेबल से कैंसिल करोगे, मीन कितना है बेटा 4। अब बच्चों क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे कहा है मीन आपको दिए हुए डाटा में से ही एक संख्या होगा। तो बेटा डाटा आपको ये दे रखा है लेकिन इनमें से कोई भी नंबर 4 नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असत्य है। अब बच्चों आपको अगले क्वेश्चन में कहा है मीडियन आपको दिए हुए डाटा में से ही सदैव एक नंबर होता है। कहने का मतलब जब भी आप मीडियन निकालो तो जो आपको डाटा देते हैं उनमें से ही कोई एक नंबर होता है। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 0, 1, 6, 3, 2, 5 और 7। ठीक है, सबसे पहले मैंने कुछ नंबर लिए, अब बेटा इसका मीन निकाल के देख लेते हैं, कैसे, इसे सबसे पहले अरेंज कर लो एसेंडिंग ऑर्डर में, 0, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर बेटा 6 और फिर 7। अब मीडियम कैसे निकालते हैं, मीडियम का मतलब बेटा मिड टर्म्स, बीच वाला पद। कैसे पता करोगे बीच वाला कौन सा है, इधर से आप 3 छोड़ो, इधर से आप 3 छोड़ो, आगे से बेटा 3 छोड़े, पीछे से भी 3 छोड़े, बीच वाला नंबर कौन सा है, 3 है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में मीडियन क्या हो गया, 3 हो गया। तो बेटा क्वेश्चन में आपसे यही कहा है, आपसे कहा है मीडियन हमेशा जो आपको डाटा दिया होता है उनमें से ही कोई नंबर होता है, तो बिल्कुल होता है, जिसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू है, सत्य है। अगले क्वेश्चन में कहा है ये जो डाटा दे रखा है उसका मीन बेटा 9 है, इसके लिए हम इसे चेक कर लेते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीन या करिए माध्य। आपसे फॉर्मूले में कहा है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब इन सबका आप सम करोगे, 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9 और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गया 8। जोड़िए ऊपर आया बेटा 64 और अपॉन में 8,
8 के टेबल से कैंसिल कर दो, 8 आया। आप ध्यान दीजिए, आपको जो डाटा दे रखे थे उनसे मीन कितना आया 8, लेकिन सेंटेंस में कहा है मीन कितना आएगा 9, तो बेटा मीन तो 8 ही आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, गलत है, फॉल्स है, असत्य है।